दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान टेक्निकल। तो दोस्तों इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का वीडियो का टॉपिक है दोस्तों कि MI 10i 5G का फ़ोन है। तो इसका प्रॉब्लम है दोस्तों कि ये इसका चार्जिंग ख़राब है, चार्ज नहीं ले रहा है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, चैनल में नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं नया नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। मैं आप लोगों को चेक करने करके दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों कि देख सकते हैं इसमें चार्ज नहीं ले रहा है। तो इसका पिन ख़राब है दोस्तों और ये टाइप सी का पिन है, तो ये यूनिवर्सल पिन इसमें लग जाएगा दोस्तों। रेडमी का बहुत सारा मॉडल सेम रहता है टाइप सी का, तो मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा कि इसका टाइप सी जैक कैसे चेंज करते हैं। तो बस दोस्तों देख सकते हैं इसमें चार्जर में भी 0 एम्पियर ले रहा है। तो दोस्तों इसे क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं बैक पैनल इसका खोल चुका हूँ, उसके बाद इसका सिर्फ कुछ पेच वगैरह लगा हुआ है तो वो पेच भी मैं निकाल दूँगा। उसके बाद इसमें खोलेंगे पीसीबी को। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें तो दोस्तों इसमें पहले ही चेंज करा चुका है, कस्टमर ने मुझे बताया कि मैं पहले ऑलरेडी चेंज कर चुका था, तो ये चार्ज फिर भी ओके नहीं हुआ, एक दिन में ख़राब हो चुका है। तो मैं आप लोगों को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा इसका सॉल्व कैसे करेंगे। तो फाइनली दोस्तों इसमें कुछ ये देख सकते हैं रिंगर लगा हुआ था, तो रिंगर को मैंने निकाल चुका हूँ। उसके बाद इसमें मिडिल फ्लेक्स लगा हुआ है तो वो फ्लेक्स को भी निकाल देते हैं, ये फ्लेक्स पता है। उसके बाद दोस्तों इसमें पीसीबी लगा हुआ है और ज़्यादातर दोस्तों इसमें पीसीबी खोलने के कारण पीसीबी टूट भी जाता है, क्योंकि दोस्तों ये पीसीबी इसमें रेडमी पोको ये सब में बहुत ही कठोर तरीक़ा से लगा हुआ रहता है, जिसके कारण खोलने में हल्का दिक्कत आता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसे खोल लेंगे अच्छा तरीक़ा से, और ऐसा साइड से इसमें ट्यूजर से जोर लगाएंगे कि ताकि ये टूटे नहीं, नहीं तो क्या होता है कंपोनेंट भी कवर जाता है। तो मैं बिल्कुल फ्रेश तरीक़े से मैं निकाल चुका हूँ, देख सकते हैं। तो इसमें कैप लगा हुआ था तो प्लास्टिक का, तो उसे निकाल के उसके बाद देख सकते हैं ये बहुत ही यूनिवर्सल मॉडल है दोस्तों। अगर टेक्नीशियन लाइन में अगर आप लोग नए हैं तो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि ये यूनिवर्सल मॉडल टाइप सी है, ये जैक बहुत ही मॉडल में आ जाएगा दोस्तों। और अगर आप लोग पुराने हैं तो भी आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही यूनिवर्सल मॉडल है दोस्तों ये जैक। तो इसे आप रनिंग में भी समझ सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारा फ़ोन मॉडल में आ जाएगा। तो दोस्तों इसको बारीकी से निकालेंगे और ये देख सकते हैं इसमें यूवी पेस्ट लगा हुआ है, ये कंपनी का जैक लगा हुआ है। तो मुझे कस्टमर ने बताया कि मैं चेंज करा चुका हूँ लेकिन ये चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों यूवी पेस्ट जब लगा हुआ रहता है तो कंपनी ही लगा के देती है, बाद में तो ये नहीं मिलता है इस तरह। तो लगता है कि इसमें ब्रश करके उसके बाद दे दिया होगा कि ताकि ये चार्ज ओके करके, लेकिन ये पूरा तरीक़े से ओके नहीं हो पाया। तो इसलिए दोस्तों इसे डायरेक्ट पिन को चेंज कर देंगे, ब्रश व्रश नहीं करना है, डायरेक्ट पिन चेंज होगा तो काम भी फ्रेश होगा। तो ये क्या है दोस्तों कि इसमें माइक लगा हुआ है साइड में, तो वो माइक को बचा के चलना है क्योंकि दोस्तों इसमें हल्का सा भी पेस्ट आने के बाद माइक ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों एक काम करने के लिए दूसरा काम ख़राब नहीं करेंगे, उसे बिल्कुल ध्यान रखते हुए काम करेंगे। मैं आप लोगों को सामने से दिखाने जा रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ बगल में माइक लगा हुआ है। तो ये माइक को ज़रा सा भी हीटिंग में भी ख़राब होता है दोस्तों, हीट होने भी ख़राब होता है और पेस्ट जाने से भी ख़राब होता है। तो 90% पेस्ट जाने से ख़राब होता है और 10% हीटिंग के कारण ख़राब होता है। तो दोस्तों इसमें हीट जो जिस टाइप से जो साइड में माइक लगा हुआ है वो साइड को हीट नहीं डालेंगे और वो साइड में पेस्ट भी नहीं जाने देंगे। तो मैंने फाइनली पीसीबी स्टैंड में फिटिंग कर चुका हूँ, अब क्या करेंगे दोस्तों इसमें पेस्ट लगाएंगे और जो निकालने का पेस्ट है, रिमूव करने वाला पेस्ट, तो वही पेस्ट को अप्लाई करेंगे क्योंकि दोस्तों उसमें बहुत ही आसानी से खुल जाता है। तो दोस्तों मैं वीडियो को सामने से मैं करूँगा क्योंकि दोस्तों यहाँ सामने से ठीक से मैं आप लोगों को दिखा सकूँगा कि ये
किस टाइप से यहाँ जेक में कितना पिन लगा हुआ रहता है। तो फाइनली मैं इसे सामने पहले कर लेता हूँ, उसके बाद इसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं ये सामने हो चुका है, उसके बाद पेस्ट को अप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों ये पेस्ट को मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ, और जो साइड में माइक लगा हुआ है वो साइड में पेस्ट को कम अप्लाई करेंगे, क्योंकि दोस्तों वो साइड में जाने नहीं देंगे माइक के साइड में। तो देख सकते हैं इसमें मैंने फाइनली अप्लाई कर चुका हूँ। अब हीटिंग अपना तरीक़ा से रखेंगे, मेरे पास क्विक 857DW+ का मॉडल का SMD मशीन है दोस्तों। तो अपना तरीक़ा से हीटिंग एयर रखेंगे, क्योंकि चार्जिंग जैक तो आसान तरीका है लगाने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों इसे हीटिंग डालेंगे, और माइक का साइड में कम हीट डालेंगे, क्योंकि ये अगला कंपोनेंट को ख़राब ना करे, माइक को ख़राब ना करे। और ब्लोअर अगर हीटिंग करेंगे दोस्तों तो चारों तरफ से डालेंगे, क्योंकि दोस्तों चारों तरफ से डालने से क्या होता है कि फ्रेश से निकल पाता है, नहीं तो क्या होता है कि चारों तरफ से हीट नहीं डालने के कारण प्रिंट बाहर निकल के आ जाता है साथ में जैक के साथ में, तो फिर उसे जम्पर करने में फिर मेहनत पड़ जाता है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं ये निकल चुका। अब दोस्तों ब्लोअर को ऑफ करके उसके बाद से देख सकते हैं ये जो चार होल दिख रहा है, ये चारों होल को और यहाँ जो पुराना रंगा लगा हुआ है उस सभी को साफ कर देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये पेस्ट को मैं अप्लाई करूँगा, और यही पेस्ट से रिमूव करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये सोल्डरिंग करने में बहुत ही आसान रहता है, सोल्ड बहुत ही अच्छा तरीक़ा से ये पकड़ लेता है, तो इसी से सोल्ड करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद इसे क्या करेंगे कि सोल्डिंग आयरन से ये चारों लेग्स को क्लियर कर देंगे, कि ताकि इसमें जो टाइप सी जैक है वो बढ़िया तरीक़ा से बैठ सके। तो चारों को मैं क्लीन कर दे रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें जो प्रिंट है तो वो प्रिंट को भी क्लीन कर देंगे, क्योंकि प्रिंट क्लीन होने के वजह से इसमें सोल्डरिंग अच्छा तरीक़े से हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों ये लेग को पूरा क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ठीक तरीक़े से ये क्लियर नहीं हो पाया है। तो देख सकते हैं तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो चुका है चारों लेग, उसके बाद यहाँ प्रिंट को भी क्लीन कर देंगे, ताकि इसमें सोल्डरिंग बढ़िया तरीक़े से हो जाए। तो ये फाइनली इसे भी कर देते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना है कि एक दूसरे प्रिंट में ये मैच नहीं करना है, इसमें सोल्डरिंग आपस में मिलाना नहीं है, नहीं तो क्या होता है दोस्तों कि एक दूसरे का टच करने का वजह से इसमें चार्जिंग शॉर्टिंग भी प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों, और नया नया प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों ये रहा जैक, और इस जैक में क्या करेंगे कि जो प्रिंट जिसमें सोल्डरिंग होगा ये सभी को ब्लेड की मदद से इसे खुरच के साफ़ कर देंगे, क्योंकि दोस्तों साफ़ करने से इसमें सोल्डरिंग करने में आसानी होगा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हल्का सा पेस्ट अप्लाई कर देंगे, जिससे ये सोल्डरिंग फ्रेश तरीक़े से हो जाए। तो पेस्ट में अप्लाई कर चुका हूँ, अब ये इसे सोल्डिंग करने के लिए ये रेडी हो चुका है। तो इसमें टाइप सी जैक पिन मैं कटिंग करके रख चुका हूँ, तो क्या करेंगे इसमें लगा देंगे। तो ये फाइनली इसमें खप चुका है, अब इसे क्या करेंगे कि अब ये सोल्डिंग बिल्कुल बढ़िया तरीक़े से हो जाएगा। तो इसमें पेस्ट हल्का सा अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद सोल्डिंग करेंगे। तो देख सकते हैं इसमें सोल्डिंग एक एक करके सोल्ड करेंगे, ताकि ये एक दूसरे में प्रिंट में ये जॉइंट ना हो जाए, जॉइंट होने से शॉर्टिंग का दिक्कत आता है दोस्तों। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्रेश तरीक़े से हो गया है। तो जो रंगा रिमूव करने का जो वायर है तो उससे और बढ़िया होता है दोस्तों, मैं एक एक करके इससे भी सोल्डिंग कर देता हूँ। तो ये फाइनली सोल्डिंग हो चुका है, अब इसमें क्या करेंगे कि ये पिन को बैठा के चेक करेंगे कि ये ठीक तरीक़े से इसमें बैठ रहा है या नहीं। तो इसे सबसे पहले बैठा लेते हैं, तो इसमें क्लीन कर लेंगे दोस्तों पेट्रोल से। तो इसमें पेट्रोल डाल के उसके बाद ब्रश से
क्लीन कर दे रहा हूँ। उसके बाद जैक को पीसीबी में बैठा देंगे, तो इसमें मैं बैठा दे रहा हूँ। उसके बाद क्या करेंगे कि ये देखेंगे ठीक तरीका से इसमें बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो फाइनली पीसीबी को निकाल देते हैं बाहर। उसके बाद मैं निकाल चुका हूँ स्टैंड से। उसके बाद जो कनेक्टर है उसे भी निकाल लेंगे। उसके बाद निकालने के बाद उसे बैठाएंगे, तो चारों तरफ से लेग को बैठा देंगे, क्योंकि दोस्तों लेग सबसे पहले बैठ जाएगा, उसके बाद इसमें सोल्डिंग करेंगे। लेग नहीं बैठने के कारण, टेढ़ बाढ़ होने के कारण बराबर प्रिंट में सोल्ड नहीं हो पाता है और आपस में एक दूसरे में जुड़ जाता है, जिसके कारण शॉर्टिंग आता है। तो मैंने चारों लेग को फ्रेश तरीक़े से मैं बैठा चुका हूँ, तो देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट तरीक़े से हो चुका है। अब इसमें पेस्ट अप्लाई कर देते हैं दोस्तों। पेस्ट अप्लाई करने के बाद ये चारों लेग को सबसे पहले अप्लाई कर लेंगे। तो देख सकते हैं इसमें मैं अप्लाई कर चुका हूँ। अब इसमें सोल्डिंग करेंगे दोस्तों, तो एक एक लेग को फिट करेंगे कि ताकि इसमें जो जैक है वो सही से बैठ सके। तो सबसे पहले दोस्तों एक एक करके सभी को सोल्ड कर देंगे और लेग्स को मज़बूत तरीक़े से सोल्डिंग करेंगे कि ताकि ये पिन लगाने निकालने में दिक्कत ना हो, चार्ज लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए सबसे पहले दोस्तों लेग को मज़बूत तरीक़े से बैठा लेते हैं। तो देख सकते हैं इसमें मैं बैठा चुका हूँ। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें सही तरीक़े से ये बैठ चुका है। अब इसमें जो प्रिंट है वो प्रिंट को ठीक तरीक़े से इसे सोल्डिंग कर देंगे। इसमें सोल्डिंग करने से पहले इसमें क्या करेंगे कि पेस्ट अप्लाई कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले पेस्ट अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद इसमें सोल्डिंग करेंगे ताकि ये ठीक तरीक़े से इसमें सोल्ड हो जाए। तो देख सकते हैं एक एक करके इसे सभी लेग को सोल्डिंग कर देते हैं। तो आराम से काम करना है दोस्तों, आराम से मैं कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि आप लोगों को ठीक तरीक़े से समझ में आए। तो सभी को आगे पीछे सभी को एक एक करके सोल्ड कर देना है। और ध्यान रखना है कि इसमें सोल्डिंग आयरन में रंगा नहीं लगा रहा है, नहीं तो क्या होता है कि रंगा लगने के कारण आपस में जुड़ जाता है। तो देख सकते हैं ये इसमें सोल्डिंग हो चुका है। तो फिर भी एक दूसरे में एक दो को अगर छूटा हुआ होगा तो फिर से मैं इसे सोल्डिंग कर दे रहा हूँ। तो ये अब बिल्कुल बढ़िया तरीक़े से सोल्ड हो चुका है। अब दोस्तों ये सोल्डिंग फ्रेश तरीक़े से होने के बाद इसमें क्या करते हैं, ब्रश से क्लीन कर देंगे। इसमें पेस्ट रहने नहीं देना है, तो मैं इसमें क्लीन कर दे रहा हूँ ताकि ये पीसीबी भी क्लीन लग सके। तो देख सकते हैं इसमें बढ़िया तरीक़े से ये जैक लग चुका है। तो अब क्या करेंगे कि ये क्लीन भी हो चुका है, देख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, ये पीसीबी को फ़ोन में बैठाएंगे, उसके बाद इसे चेक करेंगे कि इसमें चार्जिंग वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों इसे क्या करेंगे, वीडियो को जूम अप कर चुके हैं, उसके बाद फ़ोन को इसमें पीसीबी को बैठाएंगे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि पोको रेडमी ये सब जो फ़ोन है उसमें हल्का पीसीबी बैठाने में हल्का दिक्कत करता है, क्योंकि साइज मैच नहीं करता है। जैसे मैं पोको X2, पोको M3 ये सभी में हल्का दिक्कत करता है। तो देख सकते हैं इसमें ये MI 10i का है, तो इसमें भी हल्का पीसीबी बैठने में दिक्कत करता है। तो फाइनली मैं इसे बैठा चुका हूँ। इसमें नेटवर्क वायर जो है, तो नेटवर्क वायर को भी बैठा लेंगे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, तो इसमें पीसीबी जो है दोस्तों ये बैठ गया है। अब इसे बैठने के बाद क्या करेंगे कि इसमें जो फ्लेक्स लगा हुआ है वो फ्लेक्स को भी बैठा लेंगे। तो इसे बैठा लेते हैं फ्लेक्स को, उसके बाद नेटवर्क वायर को फिट करेंगे। तो देख सकते हैं ये फ्लेक्स भी बैठ चुका है। अब बोर्ड को भी सही तरीक़े से पीसीबी बोर्ड को देख लेंगे कि ठीक तरह से बैठा है या नहीं। अब चेक करके मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों कि ये सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है।
देख सकते हैं ये चार्ज ले चुका है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें परसेंट कितना बता रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें चार्ज का ही प्रॉब्लम था। तो देख सकते हैं ये चार्ज ले रहा है, इसमें 5% बता रहा है। तो दोस्तों मैं चार्जर में भी दिखाने जा रहा हूँ कि देख सकते हैं इसमें भी 1.5 एम्पियर ले रहा है। तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल में नए हैं दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मैं नया नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। तो फाइनली दोस्तों मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।